तो दोस्तों फेज फोर के स्लेट रिवील के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिवील हुई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो फेज फोर है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। अब यहाँ पे जो फेज फोर की जितनी भी मूवीज है सारी की सारी मूवीज इंक्लूडिंग टीवी सीरीज जो डिज्नी प्लस पे आएगी सबके सब 2 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे केविन फैगी ने जैसे ही अपने फेज फोर का स्लेट कम्प्लीट किया था वैसे उन्होंने 2-3 ऐसे नाम लिए थे मूवी के जो कि फेज 5 में आना कंफर्म्ड है और अभी उन पे काम चल रहा है। तो केविन फैगी ने जो मूवी का नाम लिया था वो है ब्लैक पैंथर 2, कैप्टन मार्वल 2, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और साथ ही साथ उन्होंने म्यूटेंट्स का भी जिक्र किया था। म्यूटेंट से मतलब है एक्समैन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैंटास्टिक 4। अब यहाँ पे केविन फैगी ने फैंटास्टिक 4 का नाम लिया है और म्यूटेंट्स का नाम लिया है। ये दोनों पहले फॉक्स की प्रॉपर्टी हुआ करते थे अब ये वापस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए हैं। तो यहाँ पे केविन फैगी ने ये बोल के कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन गए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे ही फेज फोर खत्म होगा 2021 में वैसे तुरंत हमें फेज फाइव की मूवीज का पता चल जाएगा। और लगभग हमें फेज फाइव की मूवी का पता चल गया क्योंकि ये सब बात केविन फैगी के मुंह से ऑफिशियल निकली है। तो जाहिर सी बात है ये सब बात कन्फर्म्ड है कि फेज फाइव में ये सब मूवी की लिस्ट होगी। और एक मूवी जो केविन फैगी ने बोली थी वो ब्लेड, अब इसकी टीवी सीरीज नहीं बन रही ये भी कन्फर्म हो गया। ब्लेड की मूवी आ रही वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज फाइव में। और एक इम्पॉर्टेंट बात और पता चली है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन को एक्समैन नहीं बल्कि म्यूटेंट्स के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने फॉक्स की मूवीज में देखा था जितने भी म्यूटेंट थे सबको एक्समैन बुलाया जाता था और उनकी जो मूवी टाइटल थी वो भी एक्समैन थी, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन डार्क फीनिक्स। लेकिन यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवी का टाइटल एक्समैन नहीं बल्कि मूवी का टाइटल म्यूटेंट्स रहेगा। और यहाँ पे अगर रही बात डेडपूल की तो डेडपूल कब इंट्रोड्यूस हो रहा है तो केविन फैगी ने कहा कि म्यूटेंट्स में डेडपूल भी शामिल है क्योंकि डेडपूल भी एक म्यूटेंट है तो वो भी जल्दी शामिल होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 में ना कि फेज 4 में। अब यहाँ पे बात रही स्पाइडरमैन की तो स्पाइडरमैन की मूवी में हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 में दिखेगी। भले ही केविन फैगी ने इसे ऑफिशियल रिवील नहीं किया लेकिन स्पाइडरमैन के बिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 5 एकदम अधूरा है। तो दोस्तों आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप फेज 5 को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।